भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों भोजपुरी के सरताज हैं। लेकिन क्या आपको पता है पवन सिंह को भोजपुरी फिल्मों में हर मायने में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव है। जी हाँ, बहुत कम समय में खेसारी ने जो मुकाम बनाया है भोजपुरी फिल्मों में वो सभी को नसीब नहीं होता। फिल्म दर फिल्म खेसारी निखरते जा रहे हैं और वो अच्छी बात है। अब आप सोचने मत लगेगा कि हम आपको खेसारी चालीसा तो नहीं सुना रहे। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, हम आपको खेसारी चालीसा बिल्कुल नहीं सुना रहे हैं। लेकिन हाँ, जब कोई बंदा अपनी मेहनत से उठता है तो उसकी तारीफ करनी बनती है। हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं जहाँ से हम भटक गए थे। अब हम आपको अपने स्क्रीन पे चल रहे खेसारी और आम्रपाली के इस स्टेज शो को दिखाते हैं और अब आप पवन और अक्षरा के स्टेज शो को देख लीजिए। इन दोनों के स्टेज शो को देखने से पहले इस वीडियोस के यानी कि इन दोनों का जो स्टेज शो हुआ है, इस दोनों के वीडियो के व्यू देख लीजिए। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है स्क्रीनशॉट, उसके ही व्यू देख लीजिए। हमने दो दिन पहले ही ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था। अब आपको शायद माजरा समझ में आ गया होगा। माजरा ये है कि खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के इस स्टेज शो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। साथ ही उसी दिन अक्षरा और पवन का भी स्टेज शो था जिसे अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला। अब हम आपको इस स्टेज शो की एक कहानी और बताते हैं। पहले इस स्टेज शो के लिए आम्रपाली की जगह अक्षरा सिंह आने वाली थी, लेकिन जैसे ही पवन को ये पता चला, वैसे ये सारी कहानी हमने अपने एक वीडियो में आपको बताई है, लेकिन ये वीडियो बगैर इस कहानी के कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जैसे ही पवन सिंह को ये पता चला कि अक्षरा उनके साथ यानी कि खेसारी के साथ स्टेज शो करने जा रही है, पवन ने झट से अक्षरा को मना कर दिया और अक्षरा भी झट से खेसारी को उस स्टेज शो के लिए मना कर चुकी। यहाँ ये आपको बताना जरूरी है कि अक्षरा पहले ही इस स्टेज शो का अमाउंट खेसारी से ले चुकी थी और ये पूरी तरह से तय था कि खेसारी के साथ अक्षरा ही इस स्टेज शो पर आएंगी। लेकिन पूरा मामला तब बिगड़ गया जब पवन ने बीच में इंटरफेयर किया और अक्षरा ने इस स्टेज शो को मना कर दिया करने से। तब जाके खेसारी ने आम्रपाली का साथ पकड़ा और ये स्टेज शो उन्हीं के साथ कंप्लीट किया और देखिए क्या हुआ। खेसारी और आम्रपाली के इस स्टेज शो को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लाइक और सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, जबकि पवन के इस स्टेज शो को न उतने ज्यादा लाइक मिले हैं और न ही उतनी ज्यादा व्यू मिले हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।